हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। भिवानी में निकली वैकेंसी, बिना लिखित परीक्षा सीधा होगा साक्षात्कार, जल्दी आवेदन करें। आइए दोस्तों, इसको विस्तार से हम जानते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट, अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस चैनल पर हम जॉब या जॉब से रिलेटेड हर रोज़ एक या दो पोस्ट जरूर लेके आते हैं। आइए दोस्तों, कहाँ निकली वैकेंसी इसके बारे में विस्तार से हम पढ़ते हैं। जिला कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश भिवानी। भिवानी सत्र मंडल में चपरासी, सह माली, सह चौकीदार के 15 अस्थायी पदों, जिसमें 6 सामान्य, 1 ईएसएम, 3 अनुसूचित जाति, बीसीए के 2 पद, बीसी एईएसएम के 1 पद, बीसीबी के 2 पद अगले वित्तीय वर्ष में निरंतरता के अध्याधीन है, जिसका वेतनमान 16,900 से 53,500 रुपये है, के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। योग्यता आप देख सकते हो, 8वीं पास हो और आपके पास में हिंदी और पंजाबी का ज्ञान हो, आयु सीमा 18 से 42 वर्ष हो, 1/1/2019। इसका बाद में शुद्धिकरण दिया गया है, 1/1/2020 है, क्योंकि भिवानी ने अपनी ऑफिशियल साइट पे 1/1/2020 बाद में शुद्धि पत्र के द्वारा दिया गया है। जो छूट है वो हरियाणा के नियमानुसार अलग है। अंतिम तिथि इसकी 14 जनवरी है, जो बाद में बढ़ा दी गई है, अब 24 जनवरी कर दी गई है इसकी अंतिम तिथि। सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग या किसी सरकारी निगम संस्था में अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजना होगा, यानी जो कर्मचारी सरकारी विभाग, अर्ध सरकारी विभाग या कहीं निगम बोर्ड में कार्यरत हैं, तो वो अपना आवेदन उचित माध्यम से भेजें। इसके अलावा आवेदन पत्र के लिए आप डिस्ट्रिक्ट की कोर्ट, यानी आप भिवानी की कोर्ट की ऑफिशियल साइट पर जाके आप अपना आवेदन पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। आवेदन के लिए आपको उचित स्थान पर एक राजपत्रित अधिकारी द्वारा एक नवीनतम फोटो चिपकाना होगा और सभी दस्तावेज अनुभव की स्वयं स्थापित प्रति आपको संलग्न करनी होगी, यानी गजेटेड ऑफिसर से आप फोटो टेस्ट करवा के और सभी अपने पत्रों की स्वयं हस्ताक्षर करके आपको प्रति संकलन करके साथ में भेजनी होगी। इसके अलावा जो अभ्यर्थी उपरोक्त वर्णित पद के लिए योग्यता पूरी करता है, न्यायिक परीक्षा में उसका यानी इंटरव्यू का शेड्यूल है वो यहाँ पे दे रखा है। 3 फरवरी से इंटरव्यू स्टार्ट है, यानी ए से सी अल्फाबेट के हिसाब से 1:30 बजे 3 फरवरी को इंटरव्यू होगा। इस तरह डी से जे के लिए 4 को है, के से एम के लिए 5 को है, के से एम अल्फाबेट के लिए, एन से क्यू अल्फाबेट के लिए 6 को है, 7 फरवरी को आर अल्फाबेट के लिए, एस अल्फाबेट के लिए 10 को है, 11 को टी से जेड तक है, यानी इंटरव्यू पहले निर्धारित कर दिया, इस डेट को पहले इंटरव्यू है। यदि ज़्यादा उम्मीदवार हो जाए तो जो चयन समिति है वो इंटरव्यू के लिए आपको सूचना दे देगी, क्योंकि इंटरव्यू में चेंज हो सकता है डेट में। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं आती है तो आपको निर्धारित दिन आपका इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा आपके लिए कोई काले ट्रैप के पास नहीं भेजा जाएगा, आपको इस नियत तिथि को अपना नाम देख के आपको भिवानी कोर्ट में पहुंच जाना है। साक्षात्कार के लिए कोई भत्ता नहीं दिया जाएगा, हाजिरी का समय 9:30 बजे होगा। और अब इसकी डेट यहाँ पे 14 दे रखी है, लेकिन अब क्योंकि वो जो एक शुद्धि पत्र दिया था उसमें बाद में इसकी डेट 24/1/2020 तक बढ़ा दी गई है, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो आपको कहाँ पे भेजना है पता, जिला एम सत्तर न्यायाधीश भिवानी, आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे वैकेंसी निकली हुई है। तो अपने सभी दस्तावेज के साथ में आपको फॉर्म है वो भिवानी कोर्ट की वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म अपलोड करके आप भेज सकते हो। अगर दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दे। धन्यवाद।